सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ समय पहले जियोफिन कॉमट्रेड और आनंद राठी कमोडिटीज को 5600 करोड़ के एनएससीएल घोटाले में उनकी संदिग्ध इन्वॉल्वमेंट के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव ब्रोकर के रूप में कार्य करने के लिए नॉट फिट एंड प्रॉपर घोषित किया। 25 फरवरी 2019 को पास किए गए ऑर्डर्स के अनुसार दोनों कमोडिटी ब्रोकर्स को कमोडिटी डेरिवेटिव ब्रोकर्स के रूप में सीज टू एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली के लिए निर्देशित किया गया। इन दोनों कमोडिटी ब्रोकर्स के अलावा कुछ दिग्गज ब्रोकर्स जैसे मोतीलाल ओसवाल और IIFL, उनकी भी कमोडिटी शाखाओं की जांच करी जा रही है। इससे पहले सेबी ने 2013 में स्पॉट एक्सचेंज के सेटलमेंट स्कैम में उनकी कथित भूमिका के लिए लगभग 300 ब्रोकिंग फर्म्स को लिस्ट आउट किया था। इस सब की शुरुआत तब हुई जब सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स को डिटेक्ट करती है, उसने सेबी को कुछ कमोडिटी ब्रोकरेज हाउसेस को अपना फिट एंड प्रॉपर टेस्ट लेने की मांग करी। ये टेस्ट ब्रोकर कंपनी और उनके प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स की काबिलियत की जांच करता है। कुछ टॉप कंपनीज के ये टेस्ट फेल करने के बाद NSCL स्कैम वापस लोगों की नज़रों में आया। नमस्ते दोस्तों, आज मैं रिनी कौशल और मेरी दोस्त मुस्कान चुटानी आपको इस NSCL स्कैम की पूरी जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। चलिए अब जानते हैं कि ये स्कैम कैसे और क्यों हुआ। NSCL यानी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज को सन 2004 में गठित किया गया था। दरअसल ये हमारे द देन प्राइम मिनिस्टर की एक विजन पर आधारित था। वह पूरे देश में एग्रीकल्चरल और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक सिंगल मार्केट एस्टैब्लिश करना चाहते थे। जनरली डिफरेंट टाइप्स के एक्सचेंज होते हैं, यानी कमोडिटी करेंसी एक्सचेंज, परंतु ये एक्सचेंज कमोडिटीज में डील करता है, यानी कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, और जो एक्चुअल फिजिकल कमोडिटीज होती हैं वो डेजिग्नेटेड गोडाउंस में पड़ी रहती हैं। स्पॉट एक्सचेंज के बेनिफिट्स को उठाने के लिए भी ये कमीशन का होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए सन 2005 में NSCL को कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस वॉज इन महाराष्ट्र। NSCL को MCX और FDIL के निवेशकों द्वारा शामिल किया गया था और इसने पहली लाइव ट्रेडिंग सन 2008 में करी थी, एंड दिस वॉज द फर्स्ट कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। पर आखिर ये स्कैम हुआ कैसे? NSCL को स्पॉट एक्सचेंज में डील करने का लाइसेंस सेबी द्वारा मिला गया था, परंतु ये लाइव ट्रेडिंग कर रहे थे, यानी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग, जो कि अलाउड नहीं थी। डेरिवेटिव्स मार्केट में एंटर हो रहे थे और इस बात का निवेशकों को अंदाजा तक नहीं था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो एसोसिएटेड है वो एक्चुअली इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। एट द एंड ऑफ द डे 5600 करोड़ का नुकसान हुआ, बहुत सारे अरेस्ट हुए और निवेशकों का पैसा फंस चुका था। इवन जिग्नेश शाह जो फाउंडर थे इस एक्सचेंज के, उनका भी अरेस्ट हुआ, परंतु कुछ सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा था और दो प्रॉब्लम्स सामने आई। पहली प्रॉब्लम ये थी कि कमीशन को ये राइट मिला था कि वो स्पॉट एक्सचेंज में डील कर सके, परंतु वो डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में डील कर रहे थे, जो कि अलाउड नहीं था। इनफैक्ट कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इनको वॉर्न भी करा था कि आप जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो इलीगल है। स्पॉट एक्सचेंज में क्या होता है? स्पॉट एक्सचेंज में एक अगर दिन ट्रेड होता है तो उसके अगले ही दिन कमोडिटीज की डिलीवरी हो जाती है, यानी T+1। अगर आप T+1 की जगह T+20 या T+30 कर रहे हैं तो वो इलीगल है। और जो इनके रेगुलेटर हैं फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, उनको उन्होंने भी 10 दिन से ज़्यादा का पीरियड अलाउ नहीं करा है। इसलिए कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इनको सारे कॉन्ट्रैक्ट T+10 पे कन्वर्ट करने का आदेश दिया।
परंतु प्रॉब्लम यहाँ आती है, अगर आप किसी फाइनेंसर को 30 या 40 दिन जिसने पैसे लगाए हैं और सामने वाली पार्टी जिसने 30 या 40 दिन की फाइनेंसिंग ली है, अगर आप सडनली जाके उनको एक दिन कहे कि आज आपको सारे पैसे वापस देने हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो सकते, तो प्रॉब्लम लिक्विडिटी की आएगी, जो कि यहाँ आई। और इस एक्सचेंज ने जैसे ही इसको रिकॉग्नाइज करा, दे स्टॉप्ड ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि कमीशन में एक्चुअली ट्रेडिंग तो हो रही थी, कमोडिटीज की ट्रेडिंग हो रही थी, बट वो कमोडिटीज एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। यानी अगर कोई सिल्वर या गोल्ड में ट्रेड कर रहा है तो वो कमोडिटीज एक्चुअली गोडाउंस में पड़ी ही नहीं थी, यानी सिर्फ पेपर पर ट्रेडिंग हो रही थी। तो ये दो प्रॉब्लम सामने आई और सेबी ने इन कुछ सालों में इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने का बहुत ट्राई करा है, पर उस समय निवेशकों को ये अंदाजा तक नहीं था कि जिस चीज में वो शामिल हो रहे हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं है और इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। अब सेबी ने 5 साल लगाए तो इस प्रॉब्लम को एक्चुअली समझने के लिए, पर सिर्फ एक्सचेंज तक ये बात लिमिटेड नहीं थी, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। अगर आप एक क्लाइंट है रिटेल लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, आपको ब्रोकर्स की नीड होती है, ये ब्रोकर्स आपके ऑर्डर्स एक्सचेंज में प्लेस करवाते हैं। तो इस स्कैम में कम से कम 300 ब्रोकर्स को आइडेंटिफाई करा गया है और कुछ बड़े नाम भी सामने आ चुके हैं, और सेबी ने ये प्रूव करा है कि दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन दिस, और उनको ये आइडिया था कि जो NSCL कर रहा है वो सही नहीं है, बट दे स्टिल वर इनटू दिस। इन्वेस्टिगेशंस में ये भी प्रूव हुआ है कि कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने NSCL को 2012 में एक शो कॉज नोटिस जांच करा था, एंड इवन आफ्टर दिस इट टुक देम अ ईयर टू रियलाइज दैट द स्टॉक डेटा डज नॉट मैच विद द गुड्स इन वेयरहाउस। आइए देखते हैं ब्लूमबर्ग इंडिया ने इस पर क्या जांच करी। मालों का ऑर्डर रहता है अभी सर तो बंद था, कभी बनता है? 2 साल से बंद कंपनी था ना, मैं तो नया पर लगा हूँ, सुन रहा हूँ 2 साल से बंद था कंपनी। 2 साल से बंद था, तो कब चालू हुआ है? अभी थोड़ा मशीन बन रहा है, थोड़ा सा कटिंग हुआ है। आप कब आए हो यहाँ पे? 1 महीने से 1 महीने से आए हो, मतलब जुलाई में? जून जुलाई। तो तब से कितना माल गया यहाँ से? माल गया नहीं, कुछ गया नहीं। अब उसमें लिस्ट में बता रहे यहाँ से 5,000 टन गया है, आप बोल लो गया नहीं कुछ करके जुलाई में। जुलाई में माल देखो, देखो ना, जुलाई में आपके यहाँ से 40,000 टन है और ये 45,000 टन 6,000 टन गया कि नहीं गया? 2 साल से बंद था ना, आप बोल रहे हैं? तो हम सुन रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं 2 साल से बंद कंपनी, अभी शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ, पुराना माल कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये तो बहुत दिन हो गया, यहाँ कुछ कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा था। अच्छा, कुछ स्टे लगा हुआ था गवर्नमेंट का, समय से शायद ये माल गवर्नमेंट के। तो आप कब से हुए यहाँ पे? एक्चुअली मेरे को 5 days ही हुए। अच्छा, सब लोग नए हैं, मतलब अभी शुरू हुआ है ना, पूरा काम रुका हुआ था इनका, मतलब 2 साल तो खाली के लिए बंद पड़ा था प्लांट सामान के साथ। अभी स्टार्टिंग इन लोग फिर से इसको चालू कर रहे हैं। कितना अभी है स्टॉक आपके पास? हम लोग क्योंकि इस पे देखा हुआ है वेबसाइट पे, तो इसलिए चेक कर रहे हैं। गोडाउन में आप कितना माल सप्लाई करते हो? अंदर है तो 50 टन कितना डेली का? ये वो कुछ हम लोग ने स्टॉक लेना था तो हमने वैसे साइट से निकाला था, तो ये जुलाई में 40,000 टन का दिखा रहे हैं अपना है। 40,000 टन तो नहीं होगा, काम ठंडा है। तो अभी ये कितना है पूरा स्टॉक? 5,000 टन। और जून में कुछ बता रहे था कि करीबन 45,000 टन है, था इतना होगा। पिछले 6 महीने से कितना है? इतना नहीं होगा। और कोई गोडाउन है क्या आपका? नहीं। तो पिछले 1 हफ्ते में कुछ कितना गया होगा पिछले हफ्ते में? 6,000 टन गया होगा। और 1 महीने में? 3,000-4,000। तो अभी ये है, अभी आप बोलो 5,000 टन इधर रहेगा, अभी कितना रहेगा? 5,000 टन। तो मतलब जुलाई से लेके अब तक अगर वो यहाँ पे 35,000 दिखा रहा है तो मतलब अभी तक 1 महीने में तो इतना गया नहीं है यहाँ से, तो मतलब था ही नहीं इतना। तो ये स्टॉक सप्लाई कौन करता है आपको? पार्टी वाला जिसका माल है वो लोग देते हैं। तो एक ही पार्टी होता है क्या, अलग अलग पार्टी? अलग अलग। तो ये अलग अलग पार्टी का माल है यहाँ पे, तो सबका मिक्स है।
Every day you will have about minimum about 10 trucks going in 10 trucks coming. हुकूमत के साथ बिजनेस करने का सोच रहे थे ना, तो इनका भी कोई 3000 मेट्रिक टन यहाँ पर पड़ा है फिलहाल, 3000 उनका ही। हाँ उधर भी है क्या? उधर का दोनों मिला तो मिला कितना? लेकिन आपका वेयरहाउस का पैसा कौन सा प्रॉपर होता है? इस वीडियो से साफ पता चलता है कि NACL के काफी रेड फ्लैग्स थे जो इग्नोर कर गए थे, और अगर उस समय इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करा जाता और रेक्टिफाई करा जाता तो आज इतना बड़ा स्कैम नहीं होता। किसी भी स्कैम को अच्छे से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उसकी प्रेजेंट सिचुएशन पता हो। NACL घोटाले को 9 साल होने आए हैं लेकिन निवेशकों को अब तक न्याय नहीं मिला है। एक्सचेंज के पास तकरीबन 13,000 लोगों के 5600 करोड़ फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने इस एक्सचेंज के माध्यम से पैसे कमाए थे उन्होंने पेमेंट नहीं करी और डिफ़ॉल्ट की स्थिति पैदा हो गई। ये भी पाया गया कि जिन कमोडिटीज़ के बदले लोन लिया गया वो कमोडिटीज़ एक्चुअल में थी ही नहीं। इसके अलावा जिग्नेश शाह, एक्स CEO अंजनी सिन्हा और कुछ ब्रोकर्स की भी जांच हुई क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट्स की मिससेलिंग करी। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी सच्चाई ये है कि 5600 करोड़ में से केवल 400 करोड़ की ही पेमेंट हो पाई है। इस पूरे स्कैम को सॉल्व होते होते इतना टाइम लगने का कारण ये है कि बहुत सारी जांच एजेंसीज ने काम शुरू कर दिया जिसके कारण कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आई। इसके अलावा मामले को बार बार कोर्ट्स में चैलेंज किया गया, MPID से लेके बॉम्बे हाई कोर्ट तक, बॉम्बे हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह इस टॉपिक पे कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी गई। 17 जनवरी 2021 को दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने NACL के फॉर्मर CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अंजनी सिन्हा को गिरफ्तार किया। इस इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली पुलिस को कुणाल खनेजा से टिप्पणी मिली थी। कुणाल खनेजा एक कमोडिटी ब्रोकर हैं जिन्होंने सन 2015 में जिग्नेश शाह और 63 मोन्स के कुछ प्रमोटर्स के खिलाफ NACL घोटाले में उनके रोल को लेकर शिकायत करी थी। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस मामले की जांच कर रहे हैं। सभी एजेंसीज ने अपनी चार्जशीट भी फाइल कर दी है। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में जस्टिस बहुत लेट डिलीवर होती है। हर्षित मेहता स्कैम की जजमेंट्स 2018 या 19 में आ रही थी एंड इवन सम केसेस ऑफ कैथन पारेख की जजमेंट्स अभी तक चल रही हैं। यानी द नीड ऑफ द आवर इज कि हमें कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाने हैं, कुछ स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनाने हैं जो ऐसे केसेस को डील कर सके, ऐसे टेक्निकल केसेस को डील कर सके। इससे दो चीज़ें होंगी। पहली, लोग फ्रॉड करने से पहले सोचेंगे। अभी तक हमारे कंट्री में जो लॉ सिस्टम है उसमें काफ़ी लूपहोल्स हैं, इसलिए लोगों में कॉन्फिडेंस आता है टू कमिट स्कैम्स लाइक दीज। और दूसरी, जिन लोगों का पैसा खोया है उनको ये अश्योरेंस मिलेगी दैट यस उनको भी न्याय मिलेगा।